हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरह के टीवी अवेलेबल हैं। कुछ लोकल हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं या कुछ कंपनीज़ के हैं। मेजरली हम टीवी ब्रांड्स की बात करें तो सोनी और सैमसंग, एलजी, ये ब्रांड मेजरली चलते हैं। उसके बाद कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि टीवी, चाइनीज़ टीवी बहुत आ रहे हैं या असेंबल टीवी बहुत आते हैं या फिर ग्रे मार्केट के टीवी बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। जैसे कि दिल्ली में गफार मार्केट है, वहाँ पर आपको सोनी सैमसंग के टीवी भी मिल जाते हैं जो कि ओरिजिनल जो रेट होते हैं उससे काफ़ी कम दामों में मिल जाते हैं। लेकिन इन सब टीवीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या गफार मार्केट में ओरिजिनल टीवी मिलते हैं या ऐसी कोई भी ग्रे मार्केट जैसे मुंबई में भी है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ओरिजिनल टीवी मिलते हैं तो उनकी क्या पहचान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप बहुत ही ईजिली ये पहचान सकते हो कि आपका टीवी ओरिजिनल है या फेक है। दोस्तों, 5-6 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो टीवी मिला है, बेसिकली जो हम खरीद के लाए हैं या हम खरीदने जा रहे हैं या कोई हमें बेच रहा है, कि ये असली टीवी है या उसकी कॉपी है या नकली टीवी है। तो उसकी पहचान हम चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पे लोगों पे फोकस कर लें ज़रा। दोस्तों, ये जो टीवी है ये सोनी का ओरिजिनल टीवी है, लेकिन आप बाज़ार में देखते हो जो 5,000, 6,000 या 8,000 के भी टीवी आपको मिलते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। उसके भी यहाँ पे सोनी लिखा होता है। लेकिन इस सोनी में और नकली सोनी में फ़र्क ये होता है कि जब आप इस सोनी को ऐसे नाखून से कुरेदोगे तो ये दोस्तों उतरेगा नहीं। किसी भी कंपनी का लोगो या तो एम्बोस्ड होता है या प्रिंटेड होता है या फिर अगर उभरा हुआ भी है तो उसको आप नाखून से थोड़ा सा भी कोशिश करोगे कुरेदने की तो वो निकलेगा नहीं। और जैसे ही आप नकली टीवी की बात करूं मैं, तो ये मैंने एक सैंपल यहाँ पे लगाया हुआ है स्टिकर का। ये देखो सैमसंग का इस तरह से है, ये सोनी के भी मिल जाते हैं। तो इस तरह की ब्रांडिंग की जाती है नकली टीवियों पे, जिसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। इसके ऊपर एक छोटी सी लेमिनेशन होती है, तो इसको आप जैसे ही उतारोगे तो ये इस तरह से दोस्तों उतरने लगता है। ये देखने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल उसी तरह से शाइनिंग होता है जैसे ओरिजिनल का होता है। तो ये देखो, ये इसका लेमिनेशन उतर गया है। अब इसके जो ये फॉन्ट है, इसको आप हल्का सा नाखून से उतारोगे तो ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से उतर जाता है। एस, ये ए भी उतर गया, ये एम भी अगर हम उतारेंगे तो ये इजीली इस तरह से उतर जाता है दोस्तों। तो मतलब ये है कि जो नकली ब्रांडिंग होती है वो आपको इजीली पता लग जाएगी कि इस तरह से ये देखो दोस्तों उतर गया है। तो ये बिल्कुल फेक स्टिकर्स मिल जाते हैं बाज़ार में जो टीवीज़ वाले लगा देते हैं नकली किट के ऊपर। और अगर बात करूं मैं सोनी के टीवीज़ की, जो ओरिजिनल सोनी के टीवी होते हैं उनके लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे ब्राविया लिखा होता है दोस्तों। मॉडल बेशक लाखों रुपए का क्यों ना हो या सस्ता मॉडल क्यों ना हो, यहाँ पे ब्राविया लिखा आपको ज़रूर मिलेगा सोनी के टीवी पे। ये पहचान होती है। और जो सैमसंग के टीवी होते हैं उनके ऊपर जो ब्रांडिंग होती है वो प्रिंटेड होती है। और दोस्तों, दूसरी पहचान हम कर सकते हैं टीवी के रिमोट से, क्योंकि जो हमें, हम टीवी खरीदेंगे उसके साथ एक रिमोट भी मिलता है हमें। और रिमोट कंपनी वाले कोशिश करते हैं, जो लोकल वाले होते हैं वो बिल्कुल कॉपी बना देते हैं। अगर आपने भी कभी देखा हो तो ज़्यादातर इस तरह का रिमोट आपको मिलता है। ये सैमसंग का है रिमोट और इस तरह से इसके ऊपर ब्रांडिंग की जाती है। ये सेम ब्रांडिंग है जो हमने अभी टीवी के ऊपर से उतारी थी, ये बस थोड़ी छोटी है, वो थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। तो इसको भी अगर मैं उतार के आपको दिखाऊँ तो ये देखो दोस्तों, ये बड़े आराम से सैमसंग जो है उतर गया है, जबकि ओरिजिनल रिमोट में ये इस तरह से प्रिंटेड आता है। इसको जितना मर्जी आप कर लो ये उतरेगा नहीं दोस्तों। और दूसरी पहचान की रिमोट के पीछे भी सैमसंग की ब्रांडिंग होती है, एम्बोस्ड होता है सैमसंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसकी फिनिशिंग और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्लैप होता है इसका, जिसमें बैटरीज डलती हैं, जो लोकल टीवीज़ होते हैं वो ऐसे बैठते ही नहीं हैं, वो यहाँ से थोड़े से उभरे हुए रहते हैं। तो ये कुछ पहचानें होती हैं जिससे आप पहचान सकते हो बड़े ही आराम से
और दूसरी बात, रिमोट से ही एक और चीज़ आप पता कर सकते हो कि सैमसंग का अगर बाई चांस बात करूं या सोनी का, किसी भी ब्रांड की बात करूं मैं, तो उनके रिमोट किसी भी मॉडल पे चल जाते हैं उनके। जैसे सैमसंग का अगर पुराना टीवी है किसी के पास, CRT, उस पर भी ये रिमोट वर्क करेगा, और किसी के पास कर्व वाला है उस पर भी ये रिमोट काम करेगा। तो ये सोनी में भी ऐसा ही होता है, LG में भी ऐसा ही होता है। तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनके जो बेसिकली रिमोट के सेंसर होते हैं वो सारे एक ही जैसे बनाए जाते हैं, और ये भी एक पहचान होती है कि आपका टीवी ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि अगर आप नकली टीवी का रिमोट चाहेंगे सोनी पे चलाना तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये तो थी बात सैमसंग के रिमोट की, मैं इसका भी रिमोट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये सोनी का टीवी है। तो इसके रिमोट पे भी इस तरह से सोनी लिखा रहता है, सोनी का कोई भी टीवी हो, कोई भी रिमोट हो, इस तरह से लिखा रहता है, मॉडल नंबर भी लिखा रहता है रिमोट का। तो आप इसको भी ऐसे उतार नहीं सकते हो, चाहे जितना मर्जी कुरेद लो। तो बाकी तो आपको रिमोट की फिनिशिंग ही बता देती है कि वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। अब बात करते हैं आगे की, अगर कोई रिमोट भी आपको ओरिजिनल दे देता है या लोगो भी आप नहीं पहचान पाते हो, तो और कौन से तरीके होते हैं टीवी को पहचानने के। तो दोस्तों, टीवी को पहचानने के लिए उनका सीरियल नंबर वाला स्टिकर होता है जो टीवी के बैक साइड में लगा होता है, तो उस पर बेसिकली टीवी का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर लिखा होता है। उससे भी आप ये पहचान सकते हो कि टीवी ओरिजिनल है या लोकल है, क्योंकि टीवी के अंदर भी आप मेन्यू में जाकर अबाउट सेक्शन में टीवी का सीरियल नंबर देख सकते हो, और उस सीरियल नंबर से उस स्टिकर का सीरियल नंबर मैच करना चाहिए। और जिस भी डीलर से आप ले रहे हैं अगर वो आपको बिल देता है तो उसको बोलिए कि सेम सीरियल नंबर मुझे यहाँ पर चढ़ा के दो। और सेकेंड थिंग, आप उससे ये भी बोलो कि जिस भी ब्रांड का वो टीवी आपको दे रहा है मुझे उसी ब्रांड के इंजीनियर से उसकी इंस्टॉलेशन भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोकल जो टीवी होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन किसी भी इलेक्ट्रीशियन या कॉन्ट्रैक्टर से कराई जाती हैं, वो किसी भी ब्रांडेड से नहीं होती हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो किसी कंपनी से नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है या आई कार्ड नहीं है उस कंपनी का, तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी ने चेपी लगा दी है, क्योंकि आगे से हमें पता ही नहीं लगता है कि वो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। पीछे से हम ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब कोई फिटिंग करने आता है तो वो फटाफट टांग जाता है, हमें इतना ध्यान ही नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें हमेशा टीवी खरीदना चाहिए, क्योंकि कोई सस्ते नहीं आते हैं दोस्तों। टीवी अगर मैं 32 इंच की बात करूं तो 32 इंच का टीवी भी 20-22 हज़ार के आसपास आता है सोनी का, जो कि आपको कॉपी मिलती है 6-7 हज़ार रुपये की। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आपको इतना सस्ता कुछ मिल रहा है तो भाई वो नॉन ब्रांडेड ही होगा, कॉपी ही होगा। और साथ में ही आपको बता दूं कि जो ग्रे मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, ग्रे मार्केट में भी दोस्तों दोनों तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कॉपी भी अवेलेबल हैं, जेन्युइन भी अवेलेबल हैं। और जेन्युइन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, बस वो ग्रे मार्केट के होते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं, इसलिए आपको वो कम रेट में मिलते हैं, उनका बिल नहीं मिलता है आपको, उनकी वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी टीवी बिल्कुल सेम होता है, ओरिजिनल होते हैं वो भी। आप जब टीवी लेने जाएं किसी शॉप पर ग्रे मार्केट में, वहाँ पे भी उसका लोगो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आजकल लोगो का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है। लोगो अगर आपको चिपकाया हुआ दिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा रही है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा, और आप ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे तो वैसे ही दुकानदार समझ जाएगा कि इस बंदे के साथ पंगा नहीं लेना है भाई, इसको डंकी चीज़ दे दो, इसको काफ़ी नॉलेज है। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि किसी पर्टिकुलर ब्रांडेड शोरूम से ही ऐसी कोई चीज़ लें, अगर आपने मन बनाया हुआ है कि मुझे एक ब्रांड का टीवी लेना है, क्योंकि जो ऑथराइज सेलर होते हैं उनसे ही आप प्रोडक्ट लें तो अच्छा है। ऐसे ही जो जिनके पास डीलरशिप नहीं है, जो वैसे ही अपना माल रख के बेच रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है कि आपको डब्बा सैमसंग का दे दें और अंदर टीवी जो है वो चाइनीज़ चिपका दें। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों ये, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही हैं बाइंग करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले ऐसे सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो, ताकि और भी लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। तो मैं मिलूँगा आपको और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।